अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इस वक्त जो है दोपहर के 1:30 बज रहा था और मुझे नमाज़ पढ़नी थी, तो मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। साथ मैंने शरबत की बोतल बना के रखती हूँ अपने साथ, रूह अफ़ज़ा की कोई सी भी शरबत हो घर में, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं कि आप बार बार जो है ना वो डिहाइड्रेट हो रहे होते, तो आप हाइड्रेट रहें। इसलिए पानी की बोतल में इतना पानी पिया नहीं जाता, तो शरबत बना के रख लें। नमाज़ पढ़ने के लिए आई थी, तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद शाम के 5:30 बज गए थे। मुझे खाना जल्दी बनाना था क्योंकि हमें शाम में जाना था, तो शाम में हमें जाना था एक मजलिस में, क्या कहते हैं, सोएम की मजलिस थी डिफेंस में, तो बस वहाँ जाना था। तो दूर का रास्ता था, तो इसलिए मैं पहले सारे काम करके रख रही थी। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका था, घर वर बिल्कुल ओके हो चुका था, खाना पक चुका था, दाल बनाई थी मूंग सूखी मूंग की दाल, और रोटियाँ वगैरह भी डाल दी थी, तो वो मैं 6:30 बजे के करीब डालूँगी। और बस जो है ना शाम के कपड़े वगैरह मैंने इस्त्री किए, तो गर्मियों में बस बड़ी बुरी हालत होती है। फिर वहाँ से हम मजलिस से फारिग होके, क्योंकि हम चावल तो बिल्कुल ही छोड़े हुए मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो इसलिए वहाँ पे बैठे थे चावल, तो चावल हमने खाए नहीं, तो हम बाहर खाना खाने आ गए थे रेस्टोरेंट में। तो हम आए थे जौहर पे राव राजपूत रेस्टोरेंट, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बस खाने का वेट हो रहा था, दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे क्योंकि हमें 11:12 बज गए थे, तो बस अब खाना आया था और हम लोग खाना खा रहे थे। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा मिनी व्लॉग। बाय।